भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार आप कल से एक खबर जो है उस पर सुन रहे होंगे, अलग अलग तरह से उस पर चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आखिर बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी और इसके पीछे कारण है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार के हिस्सा होते हुए बेहतरीन ढंग से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बातें आपको भी और खास करके जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में शामिल हैं, सत्ता से बाहर हैं, उन्हें भी विचलित करती रही है। कारण कि कहा यह लगातार जा रहा है कि नीतीश कुमार अलग प्लानिंग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की प्लानिंग अलग है। तेजस्वी यादव की प्लानिंग में लालू प्रसाद का पुट जब आ रहा है तो नीतीश कुमार की थोड़ी बेचैनी बढ़ जा रही है, और वहीं जब नीतीश कुमार कोई बात कह रहे हैं तो तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपने कल जो सुना होगा नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इन लोगों को आगे देखना है। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा उन्होंने किया था, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बड़ी गजब है। लगातार नीतीश कुमार अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से पत्थर डाल करके चेक कर रहे हैं बिहार और देश की राजनीति को कि आखिर हलचल कितना है, हो रहा है पानी के अंदर। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, वहीं उन्हें बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चाहिए तो विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए पहले से बहुत लोग लगे हुए थे, फिर नीतीश कुमार की एंट्री क्यों? ये भी कह सकते हैं नीतीश कुमार कि उनकी एंट्री इसलिए कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दें, वो नरेंद्र मोदी जिनके सामने नीतीश कुमार को झुकना पड़ा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक पद है तो आपको सामने आकर के झुकना पड़ेगा ही। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितना दिन वो झुके हैं उसमें से कुछ अंश, जैसे लालू प्रसाद के बारे में आप जानते ही हैं कि लालू प्रसाद 15 साल शासन में रहे तो नीतीश कुमार 17 साल रहे, उनसे ज़्यादा रहे। अब नरेंद्र मोदी 10 साल रहे तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनसे भी एक साल ज़्यादा रह करके और सब कुछ देख ले। हालांकि ये कठिन काम है और इस कठिन काम को और ज़्यादा कठिन बना दिया है लालू प्रसाद की रणनीति ने। शरद यादव, जो कि नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी कहे जाते थे, वो अब पटना पहुंच गए और पटना उन्हें बुलाया गया है। पटना बुलाने के बाद जब वो पटना आए तो उनकी मुलाकात, जहां पहले एयरपोर्ट पे वो आते हैं और सीधे तौर पे जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर पटना आने का 3 साल के बाद मकसद क्या है, मकसद तो नहीं बताएंगे ये अभी जानते हैं, लेकिन उनके बेटा शांतनु लगातार पटना और बिहार का दौरा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके संसदीय क्षेत्र जो रहा है माधेपुरा, वहाँ भी जाते रहे हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकात करते रहे हैं। और शांतनु ने हाल फिलहाल में ही जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई सरकार बनी तो आए थे इन लोगों के साथ खुशी जाहिर करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आए थे और इस शुभकामना दे करके वो अलग अलग दौरा भी किए। और इन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं लेकिन ये कहा कि बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जो चाहेंगे वो करेंगे, यानी कि उनका चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी शुरू हो चुका है। हालांकि इस तैयारी में उन्हें कुर्बानी भी बहुत सारी देनी पड़ेगी और उसी कुर्बानी के लिए लालू प्रसाद ने शरद यादव को पटना बुलाया था। पटना आने के बाद शरद यादव ने साफ कहा कि 3 साल से लगातार उनके जो जनता हैं वो उन्हें बुला रहे थे, खोज रहे थे, इसलिए वो आए हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये सब कुछ हुआ, तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में शरद यादव से मुलाकात करते हैं होटल में, और मुलाकात में आप निश्चित रूप से, हमने कल भी बताया था, आप रातों रात में भी जा करके देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे उसके पॉइंट्स हैं जो रख दिए थे, लेकिन शांतनु ने जो बातें कही वो अलग है। शांतनु ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार और देश की राजनीति किस करवट बैठ रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तेजस्वी यादव आए हुए थे, मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई जी? तेजस्वी जी तो बड़े भाई हैं हमारे, तो काफ़ी लंबे समय बाद हमें भेजादी श्री शरद यादव जी 3 साल बाद लगभग बिहार की धरती पर वापस आए, तो एक उत्साह है लोगों में, हमारे कार्यकर्ता राजद के जितने भी कार्यकर्ता उनमें उत्साह है, लोगों में खुशी है। तो काफ़ी लंबे समय बाद आए तो तेजस्वी जी भी भेंट करने आए थे साहब से, जैसे मैंने बताया मेरे बड़े भाई हैं, मुलाकात भेंट करने आए थे। तो भेंट हुआ, क्या क्या बातें हुई? आप बड़े भाई हैं तो छोटे भाई से कुछ बातें हुई होंगी? नहीं, वो तो अभी तो हालचाल ही पूछने आए थे, इतने समय बाद आए, सब खुश हैं, कल कार्यक्रम है उसकी तैयारी कर रहे हैं,
सारे लोग हमारे बैठे हैं तो उसी के कार्य कल के जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी में लगे हैं जो बैठक थी। अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386